Children, let's begin with chapter 4, that is conserve nature. So there are, आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें conserve करने की जरूरत है. We should not just throw them, like clothes. अगर आपके clothes छोटे हो गए हैं, आपको fit नहीं आ रहे हैं, तो हमें उन्हें throw नहीं करना चाहिए. Even हमें उन्हें poor and needy people को donate कर देना चाहिए, so that they can make use of those clothes. Don't throw away the clothes that you have overgrown. Donate them to poor and needy people. Plastic bag. आप जितने भी plastic bags use करते हैं, उसके बाद उन्हें घर आके soapy solution से आपको wash करना चाहिए, dry करना चाहिए and दोबारा से उसे आपको reuse करना चाहिए. क्योंकि plastic एक non-biodegradable waste है. अगर हम plastic को throw ही करते रहेंगे, तो ये ground में recycle नहीं हो सकता. इसीलिए इसे हमें बार बार खुद ही रीयूज कर लेना चाहिए. आफ्टर यूजिंग अ प्लास्टिक बैग, वॉश इट विद सोपी वाटर एंड लेट इट ड्राई. इट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन. पेपर, आपको पेपर के दोनों ही साइड लिखना चाहिए, क्योंकि पेपर इज अगेन वेरी प्रेशियस. ये वुड से बनता है, तो हमें पहले प्लांट्स को काटना पड़ता है, उसके बाद हम जाके पेपर बना पाते हैं. इसीलिए आपको हमेशा चीपर नोटबुक्स यूज करनी चाहिए, जो कि रिसाइकल्ड पेपर की बनी होती हैं, अपना रफ वर्क करने के लिए. यूज बोथ साइड्स ऑफ शीट ऑफ पेपर. यूज चीपर नोटबुक्स मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड पेपर फॉर रफ वर्क. इलेक्ट्रिसिटी, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, तो आफ्टर योर वर्क आपको उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए. इट विल हेल्प टू कंजर्व द इलेक्ट्रिसिटी. टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज. ओपन द विंडोज ऑफ द रूम सो दैट यू डोंट हैव टू यूज इलेक्ट्रिक लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम. सो दिन के टाइम में आपको विंडोज को ओपन करना चाहिए. एक तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी, दूसरा सनलाइट मिलेगी, तो आप रूम की लाइट्स वगैरह जो है वो स्विच ऑफ कर सकते हैं उस टाइम पे. E-waste. Minimize the use of high-tech products as they contain toxic substances and are non-biodegradable. तो हमें जितने भी हमारे high-tech substances हैं, जो भी products हैं, like smartphones हैं, cameras हैं, इन सब को हमें कम से कम use करना चाहिए, क्योंकि जो ये waste produce करते हैं, वो toxic होती है और दूसरा non-biodegradable है. Then batteries. Use rechargeable batteries that save up to 10 to 20 times of original cost. तो हमेशा जब भी आप कोई batteries use करें, make sure कि आप rechargeable batteries को use करें, क्योंकि उन्हें हम बार बार charge कर सकते हैं. अगर battery discharge हो जाएगी तो हमें उसे फेंकना पड़ेगा. So हम ऐसी batteries क्यों ना use करें जिनको हम बार बार charge कर सकते हैं. एक तो ये cost efficient है, दूसरा ये हमारी electricity को भी save करेंगी. It's time to be creative and imaginative. Let's reduce, reuse and recycle. So these are the three R. Three R के principle पे based है. क्या है? Reduce, reuse, recycle. Write one way to reuse or recycle each of the following products. Magazines. अब आप मैगजीन्स को कैसे यूज कर सकते हो? आप मैगजीन्स के पेपर से एनवलप्स बना सकते हो, आप इनसे पेपर बैग्स बना सकते हो, छोटे छोटे से पेपर बैग्स बना सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी छोटी छोटी सी एक्सेसरीज यूज कर सकते हो या उसके अंदर स्टोर कर सकते हो. किचन वेस्ट, किचन वेस्ट कैन बी टर्न्ड इनटू कंपोस्ट. कंपोस्ट जो है हमारे सॉइल को एनरिच करने के काम आता है, हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाता है. ब्रोकन फर्नीचर, अगर आपके पास कोई ब्रोकन फर्नीचर है, तो उससे आप छोटे छोटे से आर्ट पीसेस बना सकते हो, उसको अच्छे से कलर कर सकते हो, डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हो उससे. बॉटल्स एंड कैंस, अब क्योंकि हमारी बॉटल्स जो हैं ये प्लास्टिक की बनी है, तो वी कैन रिसाइकल देम और इनसे हम टॉयज बना सकते हैं, छोटे छोटे से डेकोरेटिव पीसेस बना सकते हैं. रैपिंग शीट्स, अगेन रैपिंग शीट्स कैन बी मेड टू फॉर्म एनवलप्स, क्योंकि ये बहुत सुंदर होती हैं, इनसे आप एनवलप्स बना सकते हो, पेपर बैग्स बना सकते हो. कार्डबोर्ड बॉक्सेस, कार्डबोर्ड बॉक्सेस को आप रिसाइकल करके या पेंट करके आप इनके अंदर स्टोरेज कर सकते हो. सो यू कैन मेक स्टोरेज बॉक्सेस फ्रॉम दी कार्डबोर्ड बॉक्सेस. क्लोथ्स, अगर हमारे पास बहुत सारे क्लोथ्स हैं जो हमारे यूज के नहीं हैं, सो वी शुड डोनेट देम. और अगर हम डोनेट नहीं करते, तो वी कैन स्यू देम. स्यू करके हम उससे कोई रग बना सकते हैं. एंड अगर वो बिल्कुल ही वेयर आउट हालत में है, तो यू कैन यूज देम फॉर मॉपिंग द हाउस. वाटर, वाटर को भी आप रिसाइकल कर सकते हो.
अगर आपके पास गंदा पानी है या ऐसा पानी है जो आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो, यू कैन पुट इट इन योर प्लांट्स. आप गार्डन में वो पानी स्प्रे कर सकते हो, आप अपने घर की मॉपिंग कर सकते हो ऐसे पानी से.